नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आयुर्वेद ज्ञान में। मैं मनीष गोस्वामी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी का हार्दिक दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत सारी खोज वर्तमान समय में हो रही है। इसी के संदर्भ में आज एक और औषधीय पौधे से आपका परिचय करवाने जा रहा हूं, जिसका वानस्पतिक नाम कैथारेंथस रोजियस है और इसे अंग्रेजी में पेरीविकल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसे हिंदी में सदाबहार, नयनतारा, सदापुष्पा, नित्य कल्याणी आदि नामों से जाना जाता है। दोस्तों, यह सदाबहार शीतल स्वभाव का, कटु और तिक्त गुण वाला होता है। दोस्तों, आज की आधुनिक जीवन शैली में जीने वाले लोगों को कैंसर, बीपी, उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि की बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही है, तो आज इसी संदर्भ में हम बात करेंगे इस सदाबहार के पौधे की उपयोगिता के बारे में। दोस्तों, सदाबहार की पत्तियां कैंसर रोधी होती हैं। इसमें कैंसर रोधी तत्व भी पाए जाते हैं। कैंसर के कारण क्षतिग्रस्त हुई कोशिकाओं के भरण पोषण में यह बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। इसके 5-7 फूल और 5-7 पत्तियों की चटनी बनाकर अगर नित्य प्रति कैंसर के मरीज को खिलाई जाए तो काफ़ी हद तक कैंसर रोग की रोकथाम में यह बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। इसी तरह जो डायबिटीज रोग है, मधुमेह, वह भी वर्तमान समय में काफ़ी विस्तृत रूप से फैल रहा है, तो ऐसे में इसके बारे में बहुत अनुसंधान हुए हैं सदाबहार के ऊपर। यह डायबिटिक एंटी डायबिटिक पौधा है, यह डायबिटीज की रोकथाम करता है। डायबिटीज के मरीजों में ये सदाबहार अमृत के समान गुणकारी है। डायबिटीज के मरीजों को अगर इसका ताज़ा मिल जाए तो इसकी ताज़ा पत्तियों का रस दिन में लगभग 3 चम्मच रस इसका दिन में सेवन करना चाहिए, और अगर यह ताज़ा ना मिले तो पंसारी के यहाँ से इसकी पत्तियों का चूर्ण खरीद लें, और इसकी पत्तियों का चूर्ण पानी से 1-1 चम्मच रोज खाली पेट प्रातः अगर सेवन करते हैं तो यह मधुमेह की रोकथाम भी करता है। डायबिटीज में भी यह बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। दोस्तों, इसके फूल बहुत ही सुंदर इसमें पुष्प होते हैं, जो कि हल्के गुलाबी और कुछ नारंगी सफ़ेद कलर के इसके बहुत ही सुंदर पुष्प होते हैं। यह देवताओं को प्रिय पुष्प होता है। इसे सदाबहार इसलिए कहा गया है क्योंकि यह 12 महीने इसमें फूल खिले हुए रहते हैं, चाहे वर्षा ऋतु हो, ग्रीष्म ऋतु हो या कोई भी ऋतु हो। और यह इस पौधे की सहन शक्ति इतनी होती है कि यह भीषण गर्मी में भी बिना पानी के खड़ा रह सकता है। तो इसी तरह दोस्तों, इस सदाबहार की जड़ में अजमिलसिन और स्पार्टिन नामक क्षारा पाए जाते हैं, जो कि अति संवेदनशील होते हैं, और इसकी जड़ का सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर में बहुत ही लाभदायक होता है। उच्च रक्तचाप में यह बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। अगर इसकी जड़ के चूर्ण के साथ सर्पगंधा का चूर्ण भी बराबर मात्रा में मिलाकर नित्य 2-3 ग्राम की मात्रा में अगर सेवन करते हैं तो यह उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करता है, और शरीर में किसी भी तरह की गांठ, फोड़ा फुंसी होने पर इसकी जड़ की पुल्टिस बनाकर अगर उस पर बांधते हैं तो वह इससे बहुत ही जल्दी आराम हो जाता है। दोस्तों, अगर इसके संबंध में आपको कोई भी जानकारी चाहिए या आपको कोई शंका हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? हमें आशा है कि यह आपको बहुत पसंद आया होगा। इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अगर आपके भाषा में इसका
क्या नाम है वो हमें कमेंट कर जरूर बतावें, और कोई भी शंका समाधान हो तो हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें।